हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक अलग तरीके से डोरा केक बनाएंगे। जब भी मन करे तुरंत ही इसे बनाकर खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप मैदा ले लिया है, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और एक पिंच नमक। जिस मेजरमेंट से केक बनाते हैं सेम उसी मेजरमेंट लेना है। इन सारे चीज़ों को अच्छे से छान लेने के बाद इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून पाउडर शुगर, 2 से 3 टेबल स्पून कॉन्डेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच तेल भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर मिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क अवेलेबल नहीं है तो मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का चाहिए। फ्लेवर के लिए इसमें 10-12 बूंद वेनिला एसेंस डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 40 रुपये का डेरी मिल्क का एक चॉकलेट लिया है, इस पर गर्म पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब एक नॉनस्टिक पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे, उस पर डालेंगे 4 से 5 बूंदे तेल के। एक टिश्यू पेपर से तेल को चारों तरफ फैला लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लेंगे। बैटर डालने के लिए इस तरह का एक करची ले सकते हैं या फिर ये 1/4 कप जो छोटा वाला कप होता है वो ले सकते हैं। एक ही नाप से बैटर डालेंगे ताकि हमारा सारा पैन केक एक जैसा बने। बैटर को हमें बीच में ही गिराना है, अपने आप ये फैल जाएगा। इधर उधर करके गिराएंगे तो गोल से पैन केक का नहीं आएगा। धीमी आंच में इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट बाद देखिए ये ऊपर से सेट हो गया है और कितना अच्छे से जाली भी आया है। अब इसे पलट लेंगे, देखिए कितना अच्छा सुनहरा कलर आया है। अगर आप इसे और डार्क करना चाहें तो इस साइड से कुछ सेकंड और पका लें। देखिए ये दोनों तरफ से हो गया है, तो अब इसी तरीके से ही बाकी सारे पैनकेक को भी बना लेंगे। इसे बनाते टाइम बैटर की कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें। बैटर को थिक रख देंगे तो अच्छे से फैल नहीं पाएगा और ज़्यादा मोटा बन जाएगा, और ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर चीला ही बन जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एक लाइक करते हैं तो मेरी रेसिपी और लोगों के पास पहुंचेगी और मेरी वीडियो की रीच भी बढ़ेगी। हमने जो चॉकलेट को गर्म पानी में डाला था उसका हालत अब क्या है देख लेते हैं। देखिए ये सॉफ्ट हो गया है। इसका मैं क्या करने वाली हूँ आगे आपको पता ही चल जाएगा। अब एक कैंची लेंगे और एक साइड से कट कर लेंगे। 1 कप मैदा से ये 4 पैनकेक बने हैं। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से ज़्यादा मैदा लें। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। देखिए चॉकलेट मेल्ट होकर कितने आसानी से निकल रहा है। इसे अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे और दूसरा पैनकेक इसके ऊपर रख के चिपका लेंगे। इसे आप 10 मिनट में झटपट बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से कम खर्चे में घर में ही बना सकते हैं। अब इसे काट कर भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।